हाय गाइस, वेलकम टू पार्ट टू। और अभी यहाँ पर फाइनली सिंध एंड हो गया है और पंजाब शुरू हो गया है। और यहाँ पर बहुत ही गर्मी थी गाइस, मुझे तो अब बस फूफा के घर का वेट है। और यहाँ पर ये शायद चावल का खेत है और आगे गंदम का। और ये DHA है जो कि रास्ते में तकरीबन 2-3 बार आ चुका है। ये व्लॉग जस्ट फूफा के घर तक है, इसके बाद एक और व्लॉग आएगा जो दादी के घर तक का होगा। उसमें मैं आपको असल गांव दिखाऊंगी। ये गांव नहीं है, शहर है। ये है इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी। हम यहाँ पर होटल में आ गए थे इफ्तारी करने के लिए, क्योंकि पप्पो के घर का अभी यहाँ पर बहुत फासला है। हमें लगा कि हम पप्पो के घर पर कर लेंगे इफ्तारी, लेकिन अभी फासला है काफ़ी। और यह बहुत ही प्यारा होटल था, ऊपर यहाँ पर खाना खाते थे और नीचे सारा पार्क था। और हमने यहाँ पर अफ्तारी कर ली है। ये एक हवेली है जो एक शख्स ने बनवाई है, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो उसने ये हवेली बनवाई है। और यहाँ पर इस हवेली में कोई ड्रामा भी शूट हुआ है। बाय द वे, सो ब्यूटीफुल, आई वांट टू स्टे हियर बट आई कांट। वैसे आप लोगों को शहर में ज़्यादा मज़ा आता है या विलेज में, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई एम सो हैप्पी बिकॉज फूफो का घर नज़दीक आ गया है। और ये मैंने सुबह शूट किया है, क्योंकि रात को हम देर से पहुँचे तो मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी तो हम तो सो गए। यहाँ पर हम तीसरी को अपने कज़न से मिलने जा रहे हैं, और ये भी शहर में ही रहते हैं, पप्पो के घर के नज़दीक ही। यहाँ पर बहुत बड़ी नहर थी और ये काफ़ी गहरी भी थी। और यहाँ हम पहुँच गए टाउन में। इस टाउन का नाम है ज़बरदस्त टाउन। वो सामने मेरी कज़न का घर है, यहाँ पर हम आए थे। और ये मौसम तो बहुत ही प्यारा था, बारिश का मौसम हो रहा था। और ये ज़बरदस्त टाउन मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा था। ये वाला जो सामने घर है ये भी मेरी कज़न का है, और यहाँ पर भी बहुत मज़ा आया। और ये वाला मेरी मम्मा की कज़न का घर है, और ये वाला मेरी मम्मा की फ्रेंड का घर है। माशाल्लाह, सो प्रीटी। और ये वापस जाते वक्त बहुत तेज़ बारिश हो गई थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वाला व्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा। आप विलेज व्लॉग का वेट करें। बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।